कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छी लग रही होंगी और सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आज हम समाप्त करेंगे। जो भी बच्चे के पॉइंट्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे और ये भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए आपको इसको बहुत सीरियसली देखना है। हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आगामी एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो आपका आज का हेडिंग है, सबसे पहला हेडिंग है आपका बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित विभिन्न समितियां। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और ये इंडिविजुअल भी आते हैं और कोर्ट में मिलाने के लिए भी आते हैं। तो जितने भी समितियों में बनाए गए सदस्य हैं, जिनकी अध्यक्षता में समितियां बनी हैं, उनका नाम और वो किस लिए बनाए गए थे या ऐसी समितियों का गठन किस काम के लिए किया गया था, आपको भी देखना है। तो दोनों चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। और आपका जो पहला समिति है एमएन गोईपुरिया समिति, ये किस लिए बनाया गया था? ये ग्राहक सेवा में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया था, यानी कि जो भी ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसमें सुधार करने के लिए जो समिति बनाई गई थी गोईपुरिया समिति थी। इम्पोर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट जो है आपका एक घोष समिति किस लिए बनाया गया था? बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से एक घोष समिति बनाई गई थी, यानी कि जो समिति थी ये जो है रिसर्च करती या ढूंढेगी कि बैंकों में जो धोखाधड़ी होता है वो क्यों होता है, उसे कैसे कम किया जा सकता है। तो इसलिए जो समिति बनाई गई थी ये समिति का नाम था एक घोष समिति। जो आपका नेक्स्ट समिति है पीआर नायक समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नायक समिति, किस लिए बनाया गया था? लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। एमएसएमई जो उद्योग है जो आजकल बड़े पैमाने पर उभर रहे हैं और बहुत हेल्पफुल भी हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में और लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने में, ऐसे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए या प्रोवाइड करवाने के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, इस बात का अध्ययन करने के लिए या इसके बारे में अपना राय देने के लिए जो बनाया गया समिति था पीआर नायक समिति था। क्योंकि मोस्टली जो छोटे उद्योग होते हैं या जो प्राथमिक क्षेत्र के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ऋण प्राप्त करने में बड़ी परेशानी होती है, बैंकों से जो है उन्हें ऋण आसानी से मिलता नहीं है, जिसकी वजह से नई चीजें शुरू करने में लोगों को खासा दिक्कतें आती हैं। इसी वजह से समिति बनाई गई थी कि क्या किया जाए कि ऐसे लोगों को ऋण आसानी से मिले और वो बेहतर कार्य कर सके। आगे जो समिति है एस ताराकोट समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है ताराकोट समिति। विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से, यानी कि जो विदेशी विनिमय होता है उसमें पूंजी खाते की जो परिवर्तनीयता होती है, यानी कि आसानी से जो बदला जा सके, जैसे आप जानते हैं जो हमारी मुद्रा है वो आसानी से दूसरी मुद्रा में परिवर्तित हो, इसी को कहते हैं परिवर्तनीयता। तो इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई है? तो इसके लिए आपको बनाया गया है एस ताराकोट समिति, बहुत ही बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है ये आरबी गुप्ता समिति है। आरबी गुप्ता समिति किस लिए बनाई गई है? ये कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया है, यानी कि कृषि क्षेत्र में जो ऋण है वो कैसे प्रदान किया जाए या लोगों को कैसे ऋण मिले, क्योंकि कृषि क्षेत्र में आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ापन पाया जाता है और उसमें एक कारण ये भी है कि किसानों के पास पैसे नहीं होते या आसानी से उन्हें ऋण नहीं मिलता है, बैंक उन्हें आसानी से ऋण नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां से उन्हें प्रॉफिट भी कम होता है और आसानी से ऋण मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर जो बैंक है वो व्यापारी वर्ग के लोगों को या व्यवसाय वर्ग के लोगों को ऋण देना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कृषि में लोगों को ऋण मिले या आसानी से ऋण मिले उसके लिए जो समिति बनाई गई थी ये आप देख रहे हैं आर बी गुप्ता समिति है, इम्पोर्टेंट है, बच्चों ध्यान देंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट समिति है पी आर खन्ना समिति क्यों बनाई गई है? गैर निष्पादक परिसंपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के उद्देश्य से, एनपीए जिसको हमने इसके पहले पढ़ा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे जो है चीजें जो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी बैंकों में, तो इसके लिए क्या किया जाए, ऐसी संपत्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन के लिए या उसके उद्देश्य से ये समिति बनाई गई थी और इस समिति ने अपना जो है इसके बारे में रिपोर्ट दिया, जिसकी अध्यक्ष है पी आर खन्ना और इन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति बनी है। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है दीपक पारी समिति, ये किस पर आधारित है? आधारित संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने के उद्देश्य से, यानी कि जो भी आधारित संरचनाएं हैं उसमें वित्तीय समावेश कैसा होना चाहिए उस पर अपना सुझाव देने के लिए, अपना परामर्श देने के लिए ये समिति बनाई गई थी और इन्होंने इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के बाद अपना रिपोर्ट सौंपा। तो ये समिति और उनका जो क्षेत्र है जिसके लिए बनाया गया है आपको दोनों याद होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों डी सुब्बाराव समिति, किस लिए बनाया गया है?
मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के उद्देश्य से, यानी कि जो भी मौद्रिक नीतियां हैं आप जानते हैं मुद्रा से संबंधित जो भी निर्णय होता है आरबीआई लेता है, चाहे नई मुद्रा बनानी हो, पुरानी मुद्रा को समाप्त करना हो, या मार्केट में मुद्रा को उतारना हो, या मार्केट से मुद्रा को खींचना हो, ये सारे काम जो है आरबीआई के हाथ में है। तो यहाँ पे जो बनाया गया है आपका सुपरनाव समिति, ये मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के उद्देश्य से बनाया गया है, इस पर इन्होंने अपना सलाह दिया है। इसके अलावा है जो आपका नेक्स्ट है ये है दामोदरन समिति। दामोदरन समिति किस लिए है, ये बैंक सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सिफारिशों जैसे न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा को समाप्त करना व आवश्यक सेवाओं को निःशुल्क बनाने की सिफारिश की है दामोदरन समिति ने। यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत थी, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हर किसी को नहीं मिलता, या बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिसके लिए इंसान को पैसे पे करने होते हैं, तो यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी जरूरतों के लिए कहते हैं कि निःशुल्क सुविधा होनी चाहिए बैंक में। और साथ ही इन्होंने न्यूनतम बैलेंस की जो आवश्यकता या जो अवधारणा है उसको समाप्त करने की भी बात की है। तो ये जो समिति इम्पोर्टेंट है ये बैंकिंग सेवाओं के सुधार के उद्देश्य से बनाया गया था, जो कि दामोदरन जी की अध्यक्षता में बना था, इसलिए समिति का नाम दामोदरन समिति है। विमल जालान समिति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है। ये किस लिए बनाया गया था, नए बैंकों के परमिट के लिए जो है प्राप्त आवेदनों के लिए, यानी कि जो भी नए बैंक खुलते हैं तो उन्हें परमिट की जरूरत होती है और उसके लिए उन्हें आवेदन करना पड़ता है। वो आवेदन कैसे हो और उन्हें परमिट कैसे मिले, ये सारी चीजों के लिए जो सिफारिशें की है या जो अपना राय दिया है वो जो समिति है वो विमल जालान समिति है। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है उर्जित पटेल समिति, हमारे आरबीआई के गवर्नर जनरल भी रहे हैं उर्जित पटेल। इनका जो है अनुशंसा, इन्होंने क्या कहा है, मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने के लिए, यानी कि जो भी मौद्रिक नीतियां हैं उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या कोई परिवर्तन होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए, इस तरह का जो मशवरा या राय लिया गया था वो उर्जित पटेल समिति से लिया गया था और ये इन्हीं की अध्यक्षता में है इसलिए इसका नाम है, और इनका नाम है मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करना। इसके अलावा ओसा थोराट समिति की बनाया गया है, ये देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित इनकी अनुशंसाएं हैं, यानी कि देश का जितना गांव है उन सब में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उन्हें, ताकि विकास का काम करने में आसानी हो। तो इन सारी चीजों की अनुशंसा करने के लिए जो बनाया गया समिति है वो है ऊषा थोराट समिति। नेक्स्ट जो है नचिकेता मोर समिति, ये क्यों बनाया गया है, निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए, यानी कि जिन परिवारों की आय बहुत निम्न है या वो छोटे कारोबारी जिनका जिन्हें वित्तीय सेवाओं की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों को वित्तीय सेवाएं मिले, उन्हें आसानी से काम करना जो है करने में असुविधा हो, आसान हो, इन सारी चीजों के लिए जो राय या जो मशविरा देने के लिए बनाई गई समिति है या फिर नचिकेता मोर समिति है। ये सारी चीजें बच्चों रटने वाली है, इसमें हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते, तो इसको आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी समिति है और इसका काम क्या है। इसके अलावा दीपक मोहंती समिति, इनका क्या काम है, वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना, यानी कि जो वित्तीय समावेशन है उसका जो मध्यवार कार्य योजना है उसके बारे में जो परामर्श या जो राय देने का काम करेंगे वो दीपक मोहंती समिति ने किया है। तो दीपक मोहंती समिति भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे, ये आपको बार बार देखना होगा ताकि जब भी एग्जाम में आए तो कुट मिलाने में आपको आसानी हो। जितनी भी समितियां हैं और उनका जो कार्य है उसको देखिएगा अच्छे से, बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बच्चों वाणिज्यिक बैंक, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो बैंक है वो वाणिज्यिक बैंक है, जो जमा स्वीकार करते हैं और लोगों को ऋण प्रदान करते हैं, लोन प्रदान करते हैं, ऐसी बैंकों को ही वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। और ये जो बैंक है इसका इतिहास बहुत पुराना है हमारे देश में, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित एग्जाम में आते हैं या मतलब आने की संभावनाएं हैं उसमें आपका है कि भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक 1881 में स्थापित हुआ था जिसका नाम अवध कॉमर्शियल बैंक था। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि भारत में स्थापित पहला
कॉमर्शियल बैंक कौन सा था जिसको भारतीयों ने स्थापित किया था? तो आपका जो बैंक है ये अवध कॉमर्शियल बैंक है और एक स्थापित हुआ था तो 1881 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए आपको यह स्थापना डेट याद होना चाहिए और बैंक का नाम भी। और ये भारत या भारतीय द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला कॉमर्शियल बैंक है। इसके अलावा यह पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, ये इन्हीं को माना जाता है पंजाब नेशनल बैंक को, और जिसकी स्थापना 1894 में हुआ है, यानी कि आप देखिए बहुत आसान है। 1881 में आपका पहला भारतीयों द्वारा स्थापित कमर्शियल बैंक है जो अवध कमर्शियल बैंक है, लेकिन उसमें कुछ पूंजी विदेशियों का भी है, हालांकि भारतीय ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से जिसे भारतीयों ने स्थापित किया है बिल्कुल स्वदेशी बैंक है, वो पीएनबी है जिसकी स्थापना 1894 में हुई है। तो अवध याद रखेंगे 81 में और 94 में आपका पीएनबी की स्थापना हुई है जो एकदम जो है प्योर भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक है या कमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों सहकारी बैंक। सहकारी बैंक मैंने आपको बताया था कि जब कई लोग मिलकर के या कई लोगों के द्वारा मिलकर के एक सहकारी समिति बनाई जाती है, उस समिति के द्वारा बैंक चलाया जाता है, उसे सहकारी बैंक कहते हैं, या कई लोग मिलकर के अपना पूंजी लगा करके एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए बैंक चलाते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेते हैं, तो ऐसे बैंकों को भी सहकारी बैंक होते हैं जिसमें कई लोगों का पूंजी लगा होता है, वो आपस में सहयोग करके काम करते हैं, वो सहकारी बैंक है। इसके अलावा जो आपका है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ये कूट में क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये सीक्वेंस में आता है कि कौन से बैंक की स्थापना कब हुई थी, उसको सीक्वेंस बताएं। तो सीक्वेंस में आपको ये याद होना चाहिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है ये 1975 में हुआ था और उस समय इनकी संख्या 5 थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण व दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना है, यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इनका काम क्या है, तो जो दूर दराज के गांव है या जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पे आज है वित्त की सुविधा आसानी से लोगों को नहीं मिल पाता है और वो मोस्टली रिश्तेदारों साहूकारों महाजनों या ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जहां पे उन्हें बड़े महंगे ब्याज पर जो है ऋण मिलता है और जो उनके लिए काफी कष्टदायक होता है, तो इसलिए उनको भी वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो गवर्नमेंट है या जो बैंक है उन्होंने जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भी स्थापना की थी और ये शुरुआत हुआ था 1975 से और उद्देश्य है ग्रामीण लोगों को जो है वित्त की उपलब्धि कराना। नेक्स्ट बच्चों भारतीय महिला बैंक इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखेंगे 19 नवंबर 2013 को भारत सरकार द्वारा समाज में महिलाओं को समान अवसर देने और इनके सशक्तिकरण के लिए 1000 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई, यानी कि जो भारतीय महिला बैंक की स्थापना है कब किया गया है, तो आप देखेंगे 19 नवंबर 2013 में किया गया है। और ये क्यों किया गया था, तो महिलाओं के अंदर सशक्तिकरण लाने के लिए या उन्हें भी वो सारे अधिकार समान अधिकार देने के लिए जो पुरुष को होता है, महिला बैंक की स्थापना की गई थी जहां का हर कर्मचारी महिलाएं थी और ये 1000 करोड़ पूंजी की लागत से शुरू हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये डाटा भी याद होना चाहिए, 1000 करोड़ की पूंजी से बैंक प्रारंभ हुआ था, लेकिन आगे चलकर के 2016 में इसे जो है SBI में विलय कर दिया जाता है, यानी कि 2016 में भारतीय महिला बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया जाता है। आपको पता है 2016 के आसपास बैंकों के में NPAs बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत सारे बैंक थे जो दिवालिया हो गए थे, बहुत सारे बैंक जो थे वो दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गए थे, ऐसे में सरकार ने जो है ऐसा कदम उठाया और बहुत सारे बैंकों का आपस में विलय कर दिया, उसी समय भारतीय महिला बैंक का भी विलय स्टेट बैंक में कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट है बच्चों ध्यान दीजिए यह स्थापना कब हुआ था और इसका विलय कब हुआ और किस बैंक में हुआ, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है विमुद्रीकरण, इसमें देख लेते हैं बच्चों भारत में सर्वप्रथम 1946 में विमुद्रीकरण किया गया था, इसके बाद 1978 ये डेट याद होना चाहिए आपको, ये टाइम पता होना चाहिए कि 1946 में पहली बार विमुद्रीकरण हुआ और दूसरी बार 1978 में भारतीय जनता पार्टी के समय भारत में विमुद्रीकरण किया गया था। और यहाँ पे कालेधन की समस्या से निपटने के लिए 1000 तथा इससे ऊपर के जो नोट थे उनको जो है बंद कर दिया गया था, उस समय जो भी भारी नोटें थी सबको बंद कर दिया गया ताकि जो काला धन है वो खत्म हो, यहाँ पे ये चीज इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पुनः अक्टूबर 2000 और जो है अक्टूबर में 2000 में 1000 के नोट चल
चलन में लाए गए थे। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो 1000 है और 1000 से ऊपर के नोट है 1978 में रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर से 2000 आते आते इन नोटों को फिर से बहाल कर दिया गया और 1000 की नोटें फिर से बनने लगी थी। तो एग्जाम में आ सकता है कि 1978 में मुद्रा स्फीति में 1000 की नोटें या उससे बड़ी नोटें समाप्त की गई थी, इन्हें दोबारा प्रचलन में कब लाया गया था, तो 2000 से दोबारा प्रचलन में आ गया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि जुलाई 2011 में सरकार ने 25 पैसे के सिक्के तथा इससे छोटे सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया। यानी कि अब हमारे यहाँ 50 पैसे ये सब नहीं चलते हैं, ये चलन से बाहर हो गए हैं। और ये 25 पैसा चलन से बाहर कब हुआ है, तो 2011 में कर दिया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को 500 तथा 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी कि जो विमुद्रीकरण हुआ है इस बार ये हुआ है, आप देख रहे हैं कब हुआ है, 2016 में हुआ है। और किस डेट को हुआ है, तो 8 नवंबर को हुआ है। और इसमें भी 500 और 1000 के नोटों का ही ज्यादातर परिवर्तन किया गया, उसी पर रोक लगाया गया और नई नोटें चलाई गई थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पश्चात 500 और 2000 की नोटें की शुरुआत की गई। यानी कि आपका 1000 का नोट यहाँ पे बंद करके फिर से 2000 का नोट लाया गया और 500 के भी नए नोट आ गए हैं। तो अब मार्केट में हालांकि सारे नोट बदल रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन जो मेन है विमुद्रीकरण के बाद जो बड़े नोट आए थे सामने, उसमें 2000 के नोट और 500 के नए नोट आए थे। इम्पोर्टेंट है जो डेट याद रखेंगे, 8 नवंबर 2016 को ऐसा किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा का इतिहास बहुत पुराना है, मैंने आपको बताया भी कि धातु मुद्रा का चलन कब से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं बनाई जाती थी वो जो है हल्के मजबूत चट्टान की सिरखड़ी की बनती थी या मिट्टी की बनती थी। वैदिक काल में निस्क नामक सिक्के का या कुछ सिक्कों का और प्रचलन मिलता है, लेकिन मौर्यों ने सबसे ज्यादा संख्या में सिक्के चलाए, गुप्तों ने सबसे ज्यादा संख्या में सोने के सिक्के चलाए और कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। सातवाहनों ने अजमेर कोटीन के और शीशे के सिक्के चलाए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है ध्यान देंगे। आगे चल के तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया और फिर चांदी के सिक्के और ये सारे सिक्के अंग्रेजों के शासनकाल तक चलते रहे। तो आप देखेंगे कि जो धातु की मुद्रा है ये अंग्रेजों के शासनकाल में भी चल रहा था, तो इसको ध्यान देंगे बच्चों की क्या है। भारत में 1840 के बाद जारी किए गए सिक्कों पर ब्रिटेन की महारानी का चित्र अंकित किया जाने लगा। यानी कि 1840 के बाद भारत में जो भी सिक्के बन रहे थे उस पर ब्रिटेन की महारानी के चित्र बनाए जाते थे, उस पर जो है महारानी का फिगर होता था। 15 अगस्त 1950 से भारतीय सिक्कों पर अशोक स्तंभ अंकित किया जाने लगा। यानी कि हमारे पास जो सिक्के हैं उस पर अशोक स्तंभ बना है, लेकिन वो अशोक स्तंभ कब से सिक्कों पर बना जाने लगा है ये चीज हम लोगों को नहीं पता होता। तो इसे जानेंगे आप लोग 15 अगस्त 1950 से जो हमारे सिक्के हैं इस पर अशोक स्तंभ बनने लगा। इसके पहले के डेट तक जो भी सिक्का था उस पर महारानी का चित्र बना होता था। यानी कि यहाँ से हमारा जो भारतीय सिक्का है वो क्या हो गया है, इससे भारतीय गणतंत्र के प्रथम सिक्का निर्माण का प्रतिनिधित्व किया। यानी कि ये हमारा पहला सिक्का था जिसने हमारे गणतंत्र का प्रतिनिधित्व किया, हमारी स्वतंत्रता का, हमारे संविधान का प्रतिनिधित्व किया। भारत में 1835 से 1893 तक, यानी कि ये टाइम पीरियड अच्छा है, 1835 से 1893 तक हार्सेल समिति को या की सिफारिश के आधार पर 1893 में रजत मान को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो हार्सेल समिति है ये बनाई गई थी सिक्कों पर अध्ययन करने के लिए, और इन्होंने क्या किया, जो रजत मान यानी कि जो चांदी के सिक्के थे उन्हें समाप्त करने की बात की कि चांदी के सिक्के समाप्त कर दिए जाने चाहिए। और इस बात की सिफारिश किसने किया है, हार्सेल समिति ने किया है और इन्हीं की सिफारिश पर ये सिक्के समाप्त कर दिए गए। परंतु चांदी के सिक्के 1940 तक चलन में रहे, यानी कि समाप्त तो कर दिए गए इनके कहने पर या इनकी अनुशंसा पर, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, ये चलन में बने रहे। थोड़े बहुत जो भी थी वो चलन में थे, क्योंकि जो लोग हैं वो तो सोने चांदी की चीजों को रखे रहते हैं, उसे जो है जल्दी अपने से दूर नहीं करते, या वो धातु की होते हैं जिससे उन्हें काफी लगाव होता है। पहले के जमाने में लोग आप जानते हैं किस तरह के सिक्कों को किस तरह से छुपा छुपा करके रखा करते थे, जो बाद में मिले क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो ये जो सिक्के हैं ये चलन में बने रहे, हालांकि इसे समाप्त करने की जो बात है वो हार्सेल समिति ने 1993 में कर दिया था। इस अवधि में भारत का सिक्का ब्रिटिश पाउंड या स्टर्लिंग में परिवर्तनीय था,
यानी कि इस समय तक जो भारत का सिक्का है ये ब्रिटिश पाउंड और स्टर्लिंग में बदला जा सकता था या परिवर्तनीय था, इसे अंग्रेज एक्सेप्ट कर लेते थे या बदल दिया करते थे। जो उस समय स्वर्ण मान पर आधारित था, यानी कि जो भी सिक्के थे उस समय वो सोने के थे या सोने के बनाए जाते थे और वो जो है पाउंड या स्टर्लिंग में भी परिवर्तित हो जाते थे। जैसे वर्तमान में हमारे पैसे जो है ये डॉलर में या जिस भी मुद्रा में हम परिवर्तित करना चाहे बदल सकते हैं। तो समय ब्रिटेन में पाउंड और स्टर्लिंग चलता था, हमारे यहाँ जो है सोने चांदी के सिक्के चलते थे। तो हमारे यहाँ जो सिक्का है वो परिवर्तनीय था, पाउंड और स्टर्लिंग में से बदला जा सकता था। आगे बच्चों भारत के सिक्के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। भारत में सिक्का ढालने की टकसाल मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है और नोएडा में है। ये चार प्लेस है बच्चों जहां आज भी सिक्के ढाले जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एवं नोएडा। ये ऐसे चार क्षेत्र हैं जहां आज भी टकसाले हैं, जहां से सिक्के की ढलाई होती है। तो इम्पोर्टेंट है ये चार प्लेस है, अगर आप लोग इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, एग्जाम में आ सकता है। आगे है भारत में नोट निर्गमन के छापे खाने नासिक महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में है एवं होशंगाबाद एमपी में है। ये तीन ऐसे हैं जहां पे आज भी आपका नोट जो होता है उसका जो है छपाई होता है या वो बनता है, नासिक, देवास और होशंगाबाद। दो एमपी में है, देवास और होशंगाबाद, एक आपका महाराष्ट्र में है। यानी कि सिक्के आप देख रहे हैं यहाँ पे बनते हैं, चार जगह है और ये तीन प्लेस ऐसे हैं जहां पर आपके नोट की छपाई होती है। इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा दो नए और अत्याधुनिक करेंसी नोट, जैसे आप देखेंगे प्रेस मैसूर कर्नाटक और सालबानी पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं। यानी कि दो नए जो आधुनिक जो है बनाए गए हैं प्रेस जो नोटों को बनाने का काम करेंगे, ये कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, तो एक आपका मैसूर है, दूसरा सालबानी में है, ये भी याद रखेंगे ये नए हैं और ये आपके जो पहले के हैं ये पुराने हैं जो काफी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन दो नए भी बना दिए गए हैं। तो इसलिए याद होना चाहिए ये राज्य और जो प्लेस है या जो नया बनाया गया है। आगे बच्चों जहां भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कागजी नोट छापे जाते हैं, यानी कि जो नए जगह बनाए गए हैं चाहे वो मैसूर हो चाहे वो सालबानी, इस पर भी आरबीआई का नियंत्रण है, रेल के नियंत्रण में यहाँ पर नोट बनाए जा रहे हैं या छापे जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा एक और भी बढ़िया पॉइंट है, बैंकिंग लोकपाल योजना, यानी कि लोकपाल की बातें बहुत ज्यादा चलती रहती है, लोकपाल लोकायुक्त जो है केंद्र में लोकपाल की और राज्यों में लोक आयुक्त की बात की जाती है कि उनकी नियुक्ति होनी चाहिए जो पारदर्शिता लाए, लोगों के काम में निगरानी रखे उन पर। तो बैंकों में भी लोकपाल योजना आई थी और ये योजना क्यों आती है, तो हर जगह जहां भी आएगा ये पारदर्शिता लाएगा, यानी कि बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए, उनके काम को सही करने के लिए, जो भ्रष्टाचार करप्शन होता है उसको कम करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए लोकपाल लाया गया था, बैंकिंग लोकपाल। और ये कब आया था बैंकों में, 1995 में बैंकिंग लोकपाल की योजना शुरू की गई थी। याद रखेंगे एग्जाम में आ सकता है कि बैंकों में लोकपाल योजना कब लाया गया था, 1995 में लाया गया था। इसमें दो बार संशोधन भी किया गया, एक बार 2002 में और एक बार 2006 में। यानी कि जो बैंकिंग लोकपाल 1995 में आया उसमें कुछ संशोधन भी किया गया, और संशोधन जब होता है तो उसमें और बेहतर काम करने का कोशिश किया जाता है। यानी कि जो 2006 का लोकपाल आया था ये और भी ज्यादा इसका जो क्राइटेरिया है इसको ब्रॉड कर दिया गया, विस्तृत कर दिया गया। ये हर जो बैंक से जुड़े जितनी भी समस्याएं हैं शिकायतें उसको सुन सकता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो बढ़ा दिया गया। इसके अलावा खातों के प्रकार है, जो आपके पास चार तरह के खाते होते हैं जो हम अक्सर बैंकों में खुलवाते हैं, तो इसमें आपके चार प्रकार कौन से हैं, तो पहला है बचत खाता, दूसरा है चालू खाता, तीसरा है सावधि खाता और चौथा है आवर्ती जमा खाता। बचत खाता क्या होता है, ज्यादातर लोग बचत खाता खुलवाते हैं, आप जैसे हम जैसे जो आम लोग हैं, खास करके जो वेतन भोगी हैं या जिनका एक निश्चित अमाउंट आता है, ऐसे लोग बचत खाता खुलवाते हैं। और ये जो खाते होते हैं इस पर जो है पहले आरबीआई नियंत्रण करता था, 2010 तक इसका जो ब्याज होता था, इस पर जो लोगों को ब्याज मिलता था उसका निर्धारण आरबीआई करता था, लेकिन 2011 के बाद से जो इसका ब्याज है उसका निर्धारण बैंकों के हाथ में दे दिया गया। यानी कि जो भी बैंक होगा
जिसमें वो खाता खुलाया जाएगा वही निर्धारित करेगा कि वो अपने ग्राहकों को कितना ब्याज देगा। इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपका जो बचत खाता है ये ज्यादातर वेतनभोगियों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। और नेक्स्ट जो आपका है चालू खाता। चालू खाता जो होता है ये बिजनेसमैन या कारोबारियों के लिए अच्छा होता है। इसमें अनलिमिटेड बार ट्रांजेक्शन हो सकता है, यानी कि दिन में वो बहुत बार या अनलिमिटेड बार पैसे बैंक से निकाल सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक इस पर उनको कोई ब्याज नहीं देता है, इसलिए ये व्यापारियों के लिए ज्यादा सुलभ है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन की व्यापारी कौन से खाता खोलते हैं या कौन सा खाता उनके लिए सबसे अच्छा है, तो उनके लिए चालू खाता जो करंट अकाउंट है सबसे बढ़िया होता है। नेक्स्ट जो है ये सावधि खाता। सावधि खाता जिसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपना एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय के लिए, अब वो जो है 6 महीने से लेकर के 1 साल 10 साल या इससे ज्यादा भी हो सकता है, और वहाँ पे जो उनका अमाउंट होगा और जो अवधि होगी उसी के आधार पर उनको ब्याज मिलता है। और सबसे ज्यादा जो ब्याज है इसी खाते के मिलता है जो सावधि खाता होता है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये फिक्स डिपॉजिट खाता है। नेक्स्ट है आवर्ती जमा खाता, जिसमें भी अमाउंट जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन इसमें लोग मंथली जमा करते हैं पैसे, मोस्टली या साधारण तरह लोग मंथली पैसे जमा करते हैं, और एक निश्चित टाइम का उनका जो है क्राइटेरिया होता है उस टाइम तक ये मंथली पैसे जमा करते रहते हैं, और जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो पैसे को निकाल लेते हैं। जैसे आप देखेंगे आपका जीवन बीमा वगैरह जो होता है इसमें भी किस्तों में जमा होता है, और धीरे धीरे करके जब वो पूरा हो जाता है तो आपको उसमें पैसे मिलते हैं। तो इस तरह के जो अकाउंट होते हैं वो आवर्ती खाता में आता है, जिसमें मंथली लोग पैसे जमा करते हैं और उस पर भी ब्याज देता है बैंक लोगों को। तो ये आपके 4 तरह के खाते हैं जिनके बारे में आपको बहुत कुछ पता भी होगा। नेक्स्ट जो है आपके जो है मनी के प्रकार है, ये काल मनी है, नोटिस मनी और टर्म मनी के है। काल मनी मीन्स होता है कि एक दिन के लिए उधारी, मान लीजिए कि आपने किसी को पैसा दिया लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, अगले दिन आपको उससे पैसा वापस मिल जाएगा। या आपसे कोई उधारी मांगने के लिए आता है कि हमें एक दिन के लिए उधारी दे दीजिए, कल हमारे पास जब पैसा आएगा तो हम उसे वापस कर देंगे, इसको क्या कहेंगे? कॉल मनी कहते हैं। एग्जाम में आता है कि कॉल मनी का टाइम पीरियड कितना होता है, तो सिर्फ एक दिन या अगले दिन उसे वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो दूसरा है ये है नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या है? ये थोड़ा टाइम होता है इसमें, यानी कि ये जो होता है ये 2 दिन से लेकर के 14 दिनों के लिए होता है। नोटिस मनी में लोग आपसे या जिसको भी आप उधारी देंगे या आपसे जो उधारी मांगने आएगा वो 2 से 14 दिनों की उधारी मांगेगा। और इस तरह की जो उधारी होता है ये ज्यादातर बैंक ही आपस में करते हैं, क्योंकि आपने देखा अभी तक कि जो बैंक है वो ज्यादातर RBI के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, हर तरह का, चाहे पुराने घर का हो या लंबे टाइम का हो या शॉर्ट टाइम का हो, वो RBI से लेते हैं। लेकिन कभी कभी अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो RBI के पास नहीं जाते, बल्कि आपस में एक दूसरे की हेल्प करके अपना काम कर लेते हैं। और ये बैंक आपस में करते हैं, चाहे वो कॉल मनी हो एक दिन का हो, यानी कि एक दिन से वो बैंक एक दिन के लिए वो दूसरे बैंक से ले लेते हैं और दूसरे दिन उसे वापस कर देते हैं, या नोटिस मनी हो 2 से 14 दिन का, ये भी बैंक आपस में करते हैं कि 2 से 14 दिनों का काम वापस भी चला लेते हैं, ये नोटिस मनी है। और आपका जो टर्म मनी है ये आपका 14 दिनों से अधिक और ये 1 साल से कम का समय होता है। याद रखेंगे जो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, जो कॉल मनी है ये आपका 1 दिन के लिए होता है, 1 दिन, और जो आपका नोटिस मनी है ये 2 से 14 दिन के लिए होता है, और जो आपका टर्म मनी है ये 14 दिन से अधिक और 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम के लिए जो है आपस में बैंक या जो बैंक से लोग ले सकते हैं। तो इस तरह का जो लेन देन होता है उसको अलग अलग नाम दिया गया है, उसका एक टाइम पीरियड है, ये एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ये टाइम पीरियड पता होना चाहिए। बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। आई होप आपको इकोनॉमी बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपको पता भी चल रही होंगी, और अच्छे से ऐसे ही इंजॉय करके पढ़ते रहिए बच्चों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।